इंडिया की न्यूज चैनल की तरफ से सभी दर्शकों को एक बार फिर जोरदार स्वागत है। इस वक्त की खबर देख ले आप, आगरा से आ रही है। आपको पता चले कि कमलेश तिवारी हत्याकांड को लेकर आगरा हिंदू वादियों नेताओं में आक्रोश भड़का है और आपको पता चले कि जिला मुख्यालय पर ही पहुंचे हिंदूवादी नेताओं ने सुरक्षा की मांग कही और प्रदर्शन कर रहे हिंदूवादी नेताओं का कहना है, आगे सुनते हैं इनका एक बार बयान। और आगरा में प्रमुख हिंदूवादी नेता जहां हो, आपको बता दें कि जान का खतरा बना हुआ है। आगरा पुलिस प्रशासन प्रमुख हिंदूवादी नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने की जिम्मेदारी ली ताकि कमलेश तिवारी जैसे हत्याकांड दोबारा ना हो सके। प्रशासन में आपको बता दें प्रदर्शन कर रहे हिंदूवादी नेताओं ने जिला मुख्यालय में नारेबाजी के बाद ACM वर्थ पर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन भी कहा है। उन्होंने कहा है कि मौलाना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस मौलाना के ISI के तालुकान से जुड़े हैं आरोपी मौलाना के साथ ही कमलेश तिवारी हत्या कराई है। हिंदू की सरकार है और इसी सरकार में हिंदूवादी नेता सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश के पुलिस हिंदूवादी नेताओं को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है, जिसे साफ जाहिर हो रहा है हिंदूवादी नेताओं को जान का खतरा है। प्राइम वी की न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट। आपने कमलेश तिवारी हत्याकांड को लेकर क्या आपकी मांगे रही? कमलेश तिवारी हत्याकांड एक शर्मसार हत्याकांड है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर एक हिंदूवादी नेता, एक प्रमुख नेता, उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या से पूर्व ISI के एजेंट 51 लाख रुपए का फतवा जारी करते हैं कि जो उनकी कमलेश तिवारी जी की गर्दन काट कर लाएगा उन्हें 51 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो आप सभी देख सकते हैं, पहले उनमें गोली मारी, फिर उनका गला रेता गया। हालांकि उनका तुक्का नहीं लगा, उन वो गला काट कर नहीं ले जा सके, लेकिन उम्मीद पूरी वही थी। इस घटना को देख कर साफ ये देख सकते हैं कि हिंदूवादी नेता कोई भी सुरक्षित नहीं है। जिस मौलाना ने 51 लाख का जो उन पर अवार्ड रिवार्ड रखा था उसको अरेस्ट कर लिया गया है, तो लग रहा है कि ISI उनके कनेक्शन है? बिल्कुल निश्चित ही उनके कनेक्शन होंगे। मुकदमा लिखा गया, उनको गिरफ्तारी हुई है। उनकी पत्नी का भी यही कहना था कि हत्या जो हुई है वो उनके लिंक पूरे ISI से हैं, उन्हीं के दिशा निर्देश में वो लोग काम कर रहे हैं। हिंदू की सरकार है और हिंदूवादी नेता ही सुरक्षित नहीं है? एक बाहर का ISI एजेंट जो भारत के अंदर घुस भी नहीं सकता, वो अगर लखनऊ के अंदर गर्दन काट जाए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये बताता है कि हमारे लिए सुरक्षा के व्यवस्था पुलिस के पास नहीं है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए